आप सबको ईद मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी तो आई थिंक अब तक की मेरी लाइफ के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग है और बहुत मज़ा लोगों को आम लोगों को बहुत पसंद आ रही है विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। नवाज भाई शुरुआती दौर में जब शुरुआत हुई थी ऐसा सोचा था कि ईद का मौका है भाईजान हमेशा ये देख ले जाते हैं तो ईद के मौके पर आपको ही ओपनिंग मिली है कहीं ना कहीं एक लकी फैक्टर होता है भाईजान बड़ी ईद पे आते हैं यार इससे बड़ी ईदी हम मांग भी नहीं सकते मतलब माशाल्लाह जो जो प्यार मिला है जो ऑडियंस का प्यार मिला है और अगर आप थिएटर में जाके देखें तो हमें भी खुशी होती है और जब ये कहा गया कि आप लोग आप सबके साथ मतलब जो आप मीडिया वाले हैं उनके साथ और आपके ज़रिए जो ऑडियंस है अगर उनको हम उनके साथ ईद ये ईद मना पाए इससे बड़ी खुशी है हमें हमें नहीं मिल सकती। जो हमको अब तक जो एक कमेंट या प्यार मिला है वो यही मिला है कि इट्स अ फैमिली फिल्म और लोग खुश होते फिल्म देखने के बाद। जैसे क्या जब मैं और अरबाज भाई कॉमेडी सर्कस किया करते थे तो हमें बहुत से एयरपोर्ट्स पे या जहाँ हम ट्रैवल करते थे तो फैमिलीज आते थे औरतें आती थी माएँ बहनें लोग आते थे और कहते थे कि यार जो भी हम दिन में जो भी हमारा स्ट्रेस होता है या टेंशन होता है हम जब कॉमेडी सर्कस देखते हैं या ये जो कॉमेडी नाइट जो कपल देखते हैं तो एक खुशी होती है एक रिलीफ होती है हमको एक हंसने का मौका मिलता है हम अपनी फैमिली के साथ देखते हैं और जो भी हमारे दिन के टेंशन है वो सब मिट जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है एक ऐसी अटेम्प्ट है जो हमने कोशिश की है कि आप आओ देखो एक लाइट फिल्म है एक स्पोर्ट्स फिल्म है इंस्पिरेशनल फिल्म है हंसी मजाक वाली फिल्म है क्या आपको टेंशन फ्री है जोक्स बढ़िया है परफॉर्मेंसेस बढ़िया है कि आपको अच्छा लगेगा अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाके देखें। एग्जैक्टली जी नहीं अगर मैं कहूँगा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो वो गलत बात होगी। जो भी फर्स्ट डे कलेक्शन से लेके जो एक कलेक्शन जो बड़ी है जो परसेंटेज बढ़ा है जैसे कि आप फर्स्ट डे जो हमारा था सेकंड डे हमारा 30% बढ़ा थर्ड डे हमारा 70% बढ़ा तो ये यही इंडिकेट करता है कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है और लोग जा रहे फिल्म देखने के लिए। एज अ फिल्म मेकर उससे और कोई बड़ी बात नहीं होती मतलब कलेक्शन एक ऐसी चीज़ है और लोगों को पसंद आना दे आई थिंक दे वर्क इन हैंड इन ग्लव। सो अ फिल्म लाइक दिस नवाज भाई है मैं हूँ अरबाज भाई है जो भी इस फिल्म के साथ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और लोगों को फिल्म पसंद आ रही है इसलिए लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। नवाज भाई आपकी एक्टिंग आपके डायलॉग को लोगों ने बहुत पसंद किया है तो आपका इसमें क्या कहना है? स्पेशली बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं और नए किरदार को लोगों ने बहुत ही ज्यादा गोल्फ के साथ जो आप आए इस खेल को प्रमोट करते हुए जो अमीरों का खेल कहा जाता है तो इसके बारे में आपका क्या? ऑफ कोर्स आम लोग जो है जो स्पेशली उन तक पहुंचना वाकई बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं इस तरह की फिल्में तो कर रहा था जो एक क्लास एक सर्टेन टाइप की ऑडियंस है वो देखती थी बट इस फिल्म से थैंक गॉड ये एक अच्छी बात हुई कि मास लेवल पे एक कॉमन आदमी और बच्चे स्पेशली बच्चे मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि बच्चों तक हमारी पिक्चर पहुंच रही है और वो बहुत बहुत मज़ा कर रहे हैं और ये एक ऐसी फिल्म है जहां पे आप दिमाग से ये सब चीज़ें उनके लिए रमन राघव उस तरह की फिल्में हैं जहां पे आप बहुत ही फोकस करके अपने आप को कॉन्सनट्रेट करके देखें कि क्या ये वो एक लाइट हार्टेड फिल्म है मज़ेदार फिल्म है इसको इसीलिए ये लोगों को स्पेशली लोगों को बहुत पसंद आ रही है तो मैं तो खुश हूँ इस बात की कि एटलीस्ट मेरी जो एटलीस्ट उन लोगों तक मेरे लिए पहुँचना बहुत ज़रूरी था और इस फिल्म के ज़रिए हम लोग उन लोगों तक पहुँचे जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं फिल्म देखने के लिए। नहीं भाई तो मनाली में है ना अनफॉर्चुनेटली भाई ट्यूबलाइट की शूटिंग करें मनाली में अगर इनफैक्ट जो आपने बात छेड़ी है जो ईद जो है वो पूरी फैमिली के साथ बनाई जाती है और हम आपके साथ
खाना खा के फिर हम लोग जाएंगे, गैलेक्सी जाएंगे, डैडी को जाके मिलेंगे. और तो यस, बट अनफॉर्चुनेटली इज इन मनाली. नवाज भाई, आपने कपिल शर्मा के शो में बोला था कि मुझे अभी लव स्टोरी जो है उस बनाने में थोड़ी दिलचस्पी आने लगी है, इसमें आर्मी जैक्सन के साथ जो आपका किरदार था, तो इसके बारे में बताना चाहेंगे कोई न्यू प्रोजेक्ट जो आप ऐसे सोच रहे हैं इस जॉनर का? अभी तो लोग फिल्म देख रहे हैं और अब शुरू हो जाएगा. डेफिनेटली मुझे हीरोइन के साथ बड़ा दिक्कत होती है एक्चुअली शुरू में, कि ये काला गलूटा सा आदमी हीरोइन की फरमाइश कैसे कर रहा है. तो बहुत सारे लोगों को इसकी मिर्ची भी लगी हुई है ना. तो अभी थैंक गॉड इस फिल्म के ज़रिए वो सब हो रहा है. थैंक गॉड आगे आने वाली 5 साल में मैं सिर्फ हीरोइन के साथ ही काम करूँगा. बंदूक छूट जाएगी. ज़्यादातर लोग जो आते हैं मुंबई, उनका जो सपना होता है स्टार बनने का होता है. आपने जब से मतलब इंडस्ट्री में कदम रखा है, तो फसेपुर से लेकर बात कर लें, तो आपका जो भी कैरेक्टर रोल होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत प्रेजेंस होता है, उसमें प्रभाव छोड़ते हैं, तो आप क्या मानते हैं कि आज के दौर में कैरेक्टर आर्टिस्ट और लीड आर्टिस्ट ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रह गया? अभी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं रह गया. अभी क्या होता है कि आप अगर आप बड़े बड़े स्टार्स को भी देखें, वो भी अपने रोल को ना एज ए कैरेक्टर लेते हैं. ये जो बहुत अजीब सी एक मिथ है हम लोगों में, कि जो किरदार जो बड़ा मेन लीड जो किया जाता है वो बिल्कुल सपाट किया जाता है. नहीं, ऐसे नहीं होता. उसकी भी अपनी कुछ नुआंसेस होते हैं, कुछ बॉडी लैंग्वेज होती है, हैं अलग अलग तरीके से वो भी किया जाता है. तो वो भी एक कैरेक्टर ही है. अब क्या होता है, जब आप कैरेक्टर करते हैं तो कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं होता, वो एक कैरेक्टर कर रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप बजरंगी में आप देखें सलमान भाई ने, वो एक बजरंगी का कैरेक्टर है वो, या आप इसमें देख लें. तो ये कैरेक्टर ही होते हैं एक्चुअली. अभी वो ज़माना ख़त्म हो गया. वो पहले हुआ करता था जैसे वो अपना, हाँ जी आई, बट डायलॉग अपना बड़ा जेन्युइनली बिलीव कि अभी आप जो भी एक्टर हो वो कैरेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता. कैरेक्टर ही सबसे बड़ा होता है. अगर एक फ्रीकी अली एक हमारे लिए एक ब्रांड बन गया हमारे प्रोडक्शन के लिए, और हम लोग एक कहानी तो डेवलप हो रही है, तो इंशाल्लाह सून एक बार कहानी डेवलप हो जाए और हम सब सेटिस्फाई हो जाए कि अब हमको ये अभी बनानी है. बिकॉज जो एक रिस्पांस फ्रीकी अली से मिला है, हमको उससे आगे ही जाना पड़ेगा. फ्रीकी अली टू, फ्रीकी अली टू इंशाल्लाह. भाई नवाज भाई, ये सवाल करना चाहूँगा कि बार बार देखो भी साथ में रिलीज हुई थी, कहीं ना कहीं ये मन में है अभी आप लोगों की वो फिल्म नहीं रिलीज होती, इसे और ज़्यादा फ़ायदा होता, ज़्यादा नंबर्स आते? नहीं, ऑफकोर्स, मतलब देखिए यार, कुछ 400 फिल्में रिलीज़ होती है साल में और सिर्फ 50 हफ्ते होते हैं उसमें से, तो आपको 3-4 फिल्मों के साथ तो आना ही पड़ेगा. अगर बार बार के साथ नहीं आते तो फिर पिंक के साथ आते और राज के साथ आते हैं, तो उसके बाद धोनी के साथ आ जाते हैं. तो हर हफ्ते तो दो तीन फिल्में रिलीज़ होती है. तो यू नो वो तो एक दूसरे के बिजनेस में, जैसे कि वो एक रोम कॉम फिल्म थी, हमारी एक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है, बिल्कुल अलग है. खाली ये बात अच्छी थी कि हमारे जॉनर्स जो है वो बिल्कुल अलग है. तो और ऐसा भी नहीं क्या वो कुछ 3,000 फिल्में थिएटर में रिलीज़ हो रही थी और हमारी 2-3,000 में. तो जितने थिएटर्स थे उनके पास भी थे, हमारे पास भी थे. और आई फील दैट वेयर दिस वीक इज़ कंसर्नड, आई डोंट थिंक दैट जो वी हैव ईटन इनटू ईच अदर्स बिजनेस. अगर कोई और कोई और वीक होता, आई थिंक जॉनर अलग थे, तो वी मैनेज टू यू नो क्रिएट आवर ओन प्लेटफॉर्म्स. सर एक सवाल और, सर आप तीनों से, कि हालांकि इस बात से आप तीनों का कोई लेना देना नहीं है, कपिल शर्मा के शो में आप लोग पर्सनली भी उसे जानते हैं और आजकल लोग विवादों में फंसे, कोई राय आप तीनों की है उस बारे में, अगर कुछ कहना चाहें आप? Really, I don't know. कभी हर आदमी के बारे में उनका एक जो भी एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है या एक सोशल एजेंडा होता है, तो उनका खुद का ओपिनियन होता है एंड दे जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज या जो भी होते हैं वो उसको रेडी होते हैं फेस करने के लिए. तो अगर आपको लगता है कि कपिल ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो इनअप्रोप्रिएट है, तो वो रेडी है उसको फेस करने के लिए. या अगर आपको लगता है कि सही किया है तो उसके सारे जो बेनिफिट्स हैं वो भी वो फेस करेंगे.
हर रोज ना आज कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह देता है स्टेटमेंट में, उसका उसका सही मतलब निकालना ज़रूरी होता है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन से ख़राब होता है मामला। बाकी आई डोंट थिंक इस कंट्री में हम बोलते हैं कि वी शुड हैव एन एक्सप्रेशन एंड वी शुड हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस, बट जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो पीछे पड़ जाते हैं लोग कि ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया। हम कुछ करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। जब आपके पास फ्रीडम है बोलने का तो फिर आप क्यों किसी को बोलते कि ये तुमने कैसे बोल दिया या तुमने क्यों बोल दिया। जैसे कि हम आप अलाउ करो कि ठीक है ये आपका ओपिनियन, छोड़ दो उस आदमी को। अगर आपको सही नहीं भी लगता है उसने एक्सप्रेस किया, आपको सही नहीं लगता, आप बोलोगे बस हम एग्री नहीं करते, बट छोड़ दो। आप उसको क्रूसीफाई क्यों करते हो, जबकि हमारे डेमोक्रेसी का रूल ये है कि भैया वी अलाउ टू एक्सप्रेस बट वी विल क्रूसीफाई दोस पीपल कि आपने बोला कैसे। एक एक स्टेज पे हम बोलते हैं कि हमारी कंट्री बड़ी टॉलरेंट कंट्री है, लेकिन कोई किसी से गलती होती तो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। हम इंटॉलरेंट हो जाते हैं, हम खुद ही इंटॉलरेंट हो जाते हैं, तो फिर टॉलरेंस कहाँ रहा। एंड आई थिंक इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, आई थिंक एवरीवन हैज हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आज अगर मतलब मैं कपिल को सालों से जानता हूँ एंड आई थिंक इज वन ऑफ द नाइसेस्ट एंड स्वीटेस्ट पीपल आई हैव मेट इन माई लाइफ। तो अगर किस चीज़ से अगर कपिल ने, मैं एक्चुअली टेक्निकली जानता नहीं कि क्या हो गया। मीडिया एक्सपोजेस थिंग्स बट यू डोंट हैव टू नेसेसरली बी इन द मीडिया टू एक्सपोज थिंग्स नो। तो अगर वो मीडिया में नहीं रह के अगर कोई चीज़ एक्सपोज कर रहे हैं तो आप क्यों ब्लेम कर रहे हो उसको, वो तो आपका काम कर रहे हैं, वो तो आपका काम कर रहे हैं ना। आपको तो उनको तारीफ करना चाहिए कि भाई क्या कमाल कर दिया आपने, चलो उसको एक ऐसी चीज़ बता दी जो सोसाइटी को हेल्प करती है। उनको थोड़ी कुछ पड़ी है कोई फालतू में कोई चीज़ न्यूज़ देने की, कुछ सच्चाई होगी उस तब जाके उन्होंने बोला है, वो भी एक सोशल प्लेटफॉर्म पे बोला है। लेकिन उन्होंने बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ऐसा क्यों बोल दिया, इसमें क्या बात है, वो तो प्रूफ करने के लिए भी तैयार होंगे। वो पागल थोड़ी है कि वो कुछ ऐसे ही बोल दिया उन्होंने। तो हम लोग को हर चीज़ को ना एक दूसरे एंगल से देखना कि क्या बोला है, क्यों बोला है, और आदमी की या तो समझो। आपकी कोई राय? आप इतना सा इतनी वो इंटेंशन वो नहीं है जो उन्होंने किया होगा, वो इंटेंशन से नहीं वो ट्वीट किया होगा, इंटेंशन कुछ और होता है हमेशा, वो बहुत ही लाइट होता है, वो उसको आप सीरियसली ले लेते हैं, वो इट इज़ नॉट द राइट थिंग एक्चुअली। बाकी अरपास भाई ने तो काफ़ी क्लियर कर ही दी चीज़ें, बट हम लोग यहाँ अपनी फिल्म का सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं और ईद मनाने के लिए आए हैं, वो बहुत ज़रूरी है। कौन सा चट्टी वाला तो सुन लिया सबने, और आप खुद ही सब लोग खुद ही अभी बोल रहे हैं चट्टी लॉन्ड्री गई है और जो आई भी इतनी 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 यूज हो चुकी है वो चट्टी कि अब वो लॉन्ड्री गई है। क्या घमंड तो हम पहाड़ कभी घमंड तो हम पहाड़ कभी तोड़ दे फिर तू क्या चीज़ है बे। नमाज आप कितने दिन नहीं सोए या बहुत कम सोने को मिला या कितनी थकान हो जाती है जब एक शहर जाते थे वहाँ पे कम से कम 20-20 लोग। देखिए सारी थकान उतर जाती है जब आपकी फिल्म को अप्रिसिएशन मिलना शुरू होता है, लोग मेरी फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे हैं विच इज़ गुड, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लग रहा है। वो सारे कितने दिन हम नहीं सोए, अफकोर्स बहुत सारी दिक्कतें आई थी तो मतलब सोना बहुत कम मिल रहा था सबको हमको, बट अभी बहुत अब फील हो रहा है कि वहाँ पे जो मेहनत की वो कामयाब हुई और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं हमारी फिल्म को, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपके सवाल का जवाब ये देता हूँ मैं कि आदमी तभी थकता है जब वो वैसा काम करता है जिसको वो प्यार नहीं करता या जिसमें उसको उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। जब आपका इंटरेस्ट रहता है तो आप 24 घंटे काम कर सकते हो। हमारी फिल्म से हमारा लगाव है, हम चाहते हैं कि ये फिल्म पब्लिक में आए, मीडिया के सामने हम मीडिया के सामने जा रहे थे, हम वो सब चीज़ें कर रहे थे जिसका हमारा इंटरेस्ट था, हमारी फिल्म के लिए कर रहे थे, तो तब तो एनर्जी तो डबल हो जाती है। तब तो सोना होना तो क्या, हमके पास तो इतनी एनर्जी रहती है कि हम 10 सिटी और करने के लिए तैयार थे। अच्छा इसके बाद लास्ट अब तीनों का बिरयानी खा रही है ना इसके बाद तो। एक वहाँ पर शॉट तो डालो उधर बिरयानी का। इसके बाद बिरयानी हम तो और सवाल पूछना चाहते हैं, ये मना कर गए। मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद कौन कौन से काम आप शुरू करेंगे, थकान उतर जाएगी इसके, नवाज आप कौन सी फिल्म में काम करेंगे, सोहेल आप, और आप बस ये अब तो कुछ सोचा तो है नहीं, लेकिन दो स्क्रिप्ट पे काम चल रही है, एक है माय पंजाबी निकाह और दूसरी है शेर खान। तो एक बार वो स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाए, एक बार मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ क्या
स्क्रिप्ट पे अच्छा काम हो चुका है, फिर उसको प्रैक्टिकली कैसे आगे बढ़ाएंगे और सोचेंगे क्या किस जो एक्टर उस कैरेक्टर में फिट होता है। लेकिन ये अभी थोड़ा प्रोसेस होगा, अभी तो सिर्फ ये दोनों स्क्रिप्टों पे काम चल रही है। अभी मैं सिर्फ फ्री के लिए, चूँकि रिलीज़ हुई लोग पसंद कर रहे हैं आज, तो मैं अभी सिर्फ कुछ नहीं करना चाहता, उसका मज़ा ले रहा हूँ। लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी इंटरटेन हो रहे हैं लोग, उसका मज़ा ले रहा हूँ। मैं इन सबसे ज़्यादा बिजी हूँ मैं कुछ ज़्यादा फिल्में कर रहा हूँ एज एक्टर। मेरे को एक मेरा जो कीड़ा जो एक्टिंग का वो जाग गया है। अच्छी फिल्में कर रहा हूँ मैं, अभी फ्री के लिए की है, इसके बाद एक फिल्म में जैक इन दिल वो कर रहा हूँ, एक तेलुगु में फिल्म मैंने साइन की है वो हो रही है, ऐसे 2-3 फिल्में मैंने अभी साइन की है, तो मैं अभी उसमें बिजी हूँ। मेरी भी थकन निकल गई है उस चक्कर में। और उसके बाद अगले साल जो आपको सुनना है, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, जिसका आपको इंतज़ार है, वो हम बाद में बताएंगे। रिलीज़ के बाद खुश हैं, बहुत खुशी हो रही है सबको, क्योंकि स्पेशली जैसे मैंने बताया कि लोग पसंद कर रहे हैं फिल्म को, बहुत अच्छा लग रहा है सबको। सलमान भाई भी खुश हैं और हम मैं तो बहुत खुश हूँ कि भाई मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं मास में रीच हो गई, तो इससे अच्छी बात और क्या चाहिए। थैंक्स टू सुहेल भाई कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दिया उन्होंने। तो अभी आपको को ऐसा लगता है कौन सा सेलिब्रिटी वो में कर सकता है? अरे यार मैं मुझे रणवीर सिंह मिला जिम में। अच्छा हाँ, तो ये कुछ इन्होंने कुछ नॉमिनेट किया था रणवीर सिंह को, तो मुझे रणवीर मिला जिम के अंदर, तो बोला क्या यार क्या यार नवाज भाई ने फंसा दिया यार ऐसे चक्कर के अंदर, मैं नहीं करने वाला ऐसा। नहीं वो तो क्योंकि हमने जेन्युइनली सोचा था कि अब एक्चुअली वी थॉट दैट रणवीर इज द ओनली किड हु हैज गॉट सो मच ऑफ एनर्जी एंड सो मच ऑफ जेस्ट यू नो दैट ही कुड टेक ऑन द चैलेंज, बट ही सेज दैट नहीं यार वो नवाज भाई फर्स्ट क्लास किया है, मैं नहीं करना चाहता वो, तो नवाज भाई ऐसे डन डन ऐसे कोई प्रेशर नहीं है भाई। आई जस्ट दैट नवाज भाई थिंक्स यू टू बी वेरी टैलेंटेड एंड सेड दैट वन ऑफ द न्यू एज that if anybody can you know remember pull it off, because kisi ke paas to scene hai nahi jo jaise Nawaz bhai ke paas hai, to wo thoda sa dekh ke karna padega, it's difficult for everyone, but apparently there's a kid on YouTube that Salman bhai ne unko ek bacche ko dala hai pura as ha wo usne sirf 2-3 baar dekh ke ha usne phatafat bol diya yeah ha usne kiya thank you thank you thank you।